हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आज दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो ऐतिहासिक लड़ाई आपने लड़ी बंगाल में, मैं आपके साथ साथ बंगाल की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा नेता चुना जो तरक्की खुशहाली के साथ साथ देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी जो मिली जुली तहजीब है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जो ईमानदारी से देश के लोग खुशहाली और तरक्की चाहते हैं उनके लिए आपने जीत करके के संदेश देने का काम किया। आपने तमाम तरह के मुकाबलों का सामना किया, तमाम तरह की साजिशों का आपने काम किया, तमाम तरह के षड्यंत्र हुए, उसके बावजूद भी आपने ऐतिहासिक जीत दी है। पहले भी मैंने बधाई दी थी, फिर एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बधाई देता हूं, मैं फिर आपका समाजवादी पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। मैं अब निवेदन करूंगा कि आदरणीय दीदी अब अपनी बात रखें। मैं पहले उत्तर प्रदेश का जनता को मैं स्वागत करने चाहती हूं, मैं उनका आभारी हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि भाई अखिलेश ने मेरे को लखनऊ में बुला के पूरा उत्तर प्रदेश का जनता को एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए जो मौका दिया है, मैंने उसी के लिए उसका शुक्रिया अदा करने चाहूंगी। समाजवादी पार्टी का हर नेता इधर में है, जितना भी संभव भारतीय मीटिंग है कि अभी तो रैली भी नहीं अलाउ कर दिया, लेकिन बीजेपी का रैली से अच्छा से चलता है, लेकिन हम लोग को रैली नहीं चलेगा। अगर हम यहां पर रैली करते हैं हमारे अखिलेश मिलके तो करोड़ों से ज्यादा आदमी आते आ जाते, एक डर के लिए रैली वगैरह 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 नहीं है। अभी ठीक है, मान लो चुनाव आयोग ने जो बोला है हम उसको मन के चलेंगे कि यही लोकतंत्र है। अखिलेश जी को मैं शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि बंगाल इलेक्शन में भी उन्होंने किरणमय नंदो को भेजकर, जयाजी बच्चन को भेजकर हमारा पार्टी को लिए कैंपेन करने के लिए मदद किया था। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुई है, अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए, ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है, देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई घर में लड़ाई करते हैं अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा पूरी पूरा तरह, ये हमारा हक बनते हैं। मैं पहले 2-4 बात कहने के पहले माफी चाहूंगी कि हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोलते बोलते सीख जाऊंगी,
कि यूपी का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, बिहार का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, राजस्थान का भी आदमी रहते हैं, हरियाणा का भी रहते हैं, पंजाब का भी रहते हैं, पूरा हिंदुस्तान को, हर इंसान हिंदुस्तान को हर प्रांत में रहते हैं। मैं दो चार बात कहने का, पहले लता जी को जो देहांत हुआ है, मैं उनका ऊपर श्रद्धांजलि निवेदन करके दो लाइन कहने चाहूंगी। जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, तो वो वॉर के बाद जो शहीद हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लता जी ने एक गाना गाया, जो गाना के लिए आज भी लता जी हर विश्व का इतिहास बन गया। वो गाना क्या था? ए मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, हिमालय कहाँ पे है? आपका यूपी में है, उत्तराखंड में है। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे घर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम जो देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, हम सबको अब श्रद्धांजलि निवेदन करने चाहती हूं लता जी का एक गाना पे। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, आजादी का आंदोलन से शुरू करके जितना भी प्रधानमंत्री आप लोगों ने दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सभी तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का ही है। हमारे उधर में कुंभ मेला होता है, कुंभ का जो दूसरा तारीख से गंगा सागर मेला कौन करते हैं? हमारा ज्ञानदास जी करते हैं। ज्ञानदास जी रहते कहाँ है? अयोध्या में रहते हैं, उसका ट्रस्ट अयोध्या में है, रहते हैं उधर में, लेकिन उसको मेला मैं कर देती हूं। और 30-40 लाख लोग यूपी से बिहार से जाते हैं। हम लोग कभी किसी को पूछता नहीं है क्या तुम्हारा रिलीजियन क्या है, तुम्हारा प्रांत क्या है। हम नहीं पूछते चाहे कि आप तो हिंदुस्तानी है ना, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई बनारस में रहते हैं, कोई मिराट में रहते हैं, कई मथुरा में रहते हैं, कोई वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, कोई हथरास में रहते हैं, कोई उन्नाव में रहते हैं, कोई लखनऊ में रहते हैं, कोई इलाहाबाद में रहते हैं। पूरा दिल से दिल मिला के आप लोगों ने एक साथ में हिंदुस्तान से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। अगर ये राज्य से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। आपको पहले पसंद करना है, आप बीजेपी का झूठा बोलने से वोट देंगे ना? वास्तविक में जो काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे, आप उनका वोट देंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।